आपके सामने क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को करने वाले हैं हम, इसके अंदर विद अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, इसके अंदर अकाउंट भी प्रिपेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम समझ लेते हैं पिछले सवाल को ही टू बी और कंटिन्यू करते हुए। सपोज करो मैंने यहां पे लिखा प्रिपेयर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है सर, दो अकाउंट बनाएंगे, इसी की मदद से बनाएंगे दोनों अकाउंट, आप समझिएगा बात को। ये अकाउंट ना बहुत आसान अकाउंट है, प्रोसेस नॉर्मल लॉस और एक बना लेते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी से पोस्टिंग करना है। नॉर्मल लॉस कहां पे है, ये पाई साइड में, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा टू प्रोसेस ए से। सर कितने यूनिट, कितने का, 250। इसे बेचा है नहीं बेचा, बेच दिया तो बाय साइड में फिर बिक जाएगा ये बाय बैंक से। लो जी लो, नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड, एक चीज रह गया, एबनॉर्मल गेन तो इफेक्टिवली आई नहीं। आपका नॉर्मल लॉस है कितना बताओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गेन पे चला गया था, आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहां पे हमारा समझ में आई बात आपको, यानी जितने प्रोसेस से नॉर्मल लॉस होगा इधर लिखेंगे और जितने का बिका है बैंक से बंद कर देंगे। अब एबनॉर्मल लॉस इधर है क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस ए, कितने 50, कितने का 700। अब मुझे एक बात बताइए एबनॉर्मल लॉस कितने का बिका, मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस कितने का बिका, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। एबनॉर्मल लॉस कितने का बिका, कौन कौन बच्चा जवाब देगा, मैं वेट कर रहा हूं। एबनॉर्मल लॉस कितने का बिका, जल्दी बताइए, रेट बताइएगा। बच्चे कह रहे हैं 750 का बिक गया, कितने का 750। पिंकी कह रही है सर 15। सभी बच्चे का जवाब 15 750। एक बच्चा 125, सक्षम का जवाब 125, 750, 15, 750। इसका जवाब मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा, मान लो लॉस का मतलब क्या होता है सर, ये बॉक्स है, लॉस का मतलब होता है रद्दी, जो बेचेंगे रद्दी में बिकेगा। अब मैं आपके रजिस्टर की बात करता हूं, एक रजिस्टर आपका ऐसा है जो कि नॉर्मल स्क्रैप्ड हो गया। नॉर्मल स्क्रैप का मतलब आप उसमें पूरी मेहनत करी, आपने पेजेस भर दिए, कुछ भरे कुछ नहीं भरे, ऐसा कहानी रहा, यानी अभी कॉस्टिंग का रजिस्टर बना रहे हो आप, बनाते बनाते जरूरी नहीं है कि सारे पेजेस भी भर जाए, और जरूरी भी हो सकता है दूसरा रजिस्टर ले लें, वो बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है कि कौन होगा वो। अब इसके अंदर मान लेते हैं आपका एक रजिस्टर है 1 किलो का, अब इसे जो रद्दी का रेट जो तय हुआ है ना वो 10 रुपए का तय हुआ है, 10 रुपए किलो आपका बिकेगा। तो मान लो आपका सेमेस्टर 4 वाला जो ये रजिस्टर है कॉस्टिंग वाला आपने बेच दिया, और 1 किलो का रजिस्टर था, खरीदा आपने 1000 रुपए का था, और अब आप इसे बेचने जा रहे हो स्क्रैप में, तो बताओ कितने का बिकेगा।
बताओ कितने का बिकेगा, मुझे कमेंट में जवाब चाहिए इसका, कितने का बिकेगा। या मेरा क्वेश्चन आंसर, मेरा सवाल ही नहीं समझ में आया तो उसकी बात ही अलग है फिर, कितने का बिकेगा बताइए। सर बताइए कितने का बिकेगा। मेरा सवाल है कि आपका रजिस्टर है और रद्दी में बेचने जाना है, स्क्रैप में बेचने जाना है, 1 किलो का रजिस्टर है आपका और 10 रुपए किलो डील टन हुआ है, कि कबाड़ी पे जब बेचने जाओगे तो 10 रुपए किलो मिलेगा आपको, बताइए। मैं बहुत सारा रजिस्टर बना के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एक बार दोबारा बना देता हूं। ये रहा बॉक्स, ये पीला पीला सब जगह पीला पीला दिक्कत दे रहा है इसको, और कोई गलत है, चलो हटाओ इसको। हाँ अब ठीक है, एक रजिस्टर और दो रजिस्टर। अब मैं बात कर रहा हूं, ये वाला रजिस्टर आपका स्क्रैप हुआ जो नॉर्मल रूटीन है जैसे, और ये आपका 1 किलो का रजिस्टर था और इसे कबाड़ी को बेचने जाओगे और ये नॉर्मल लॉस है, इसे कबाड़ी को बेचने जाना है, नॉर्मल लॉस है जो कि आप स्क्रैप करने जा रहे हो, और कबाड़ी ने तय किया कि 10 रुपए किलो के हिसाब से हम रजिस्टर को खरीदेंगे, तो बताइए आपका रजिस्टर 1 किलो का जो है वो कितने का बिकेगा। कुछ बच्चों का जवाब, बहुत सारे बच्चों का जवाब 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आ गया। अगर आपके पास दो रजिस्टर बेचते, 2 किलो का होता तो कितने का बेचते, दो रजिस्टर होता तो कितने का बेचते, 20 रुपए का, दो रजिस्टर होता तो जवाब है हमारा 20 रुपए का। अब मेरी बात सुनना, एक रजिस्टर और है और इस रजिस्टर पे आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ब्लैंक है, काम करने जा रहे थे, उस पूरे रजिस्टर पे मान लेते हैं चाय गिर गई और पूरा रजिस्टर पूरी तरीके से गीला हो गया, अब उस पे काम करने लायक नहीं बचा, तो इस लॉस को कौन सा लॉस बोलूं, एबनॉर्मल लॉस बोलोगे ना। पहले बताओ ये लॉस कौन सा है, चाय गिर गया रजिस्टर के ऊपर, ये कौन सा लॉस माने, नॉर्मल एबनॉर्मल, जवाब दीजिए कमेंट में, नॉर्मल एबनॉर्मल। सभी बच्चे कह रहे हैं सर एबनॉर्मल एबनॉर्मल। अब यार इस रजिस्टर का क्या करें बताओ, बेच दें, अब बताओ कितने, ये भी 1 किलो का ही रजिस्टर खरीद रहा हूं, बताओ कितने का बिकेगा, कितने का बिकेगा, ये भी 1 किलो का था, जवाब दो कितने का बिकेगा, जवाब नहीं आया। ये रजिस्टर जो रद्दी के भाव, ये भी बिकेगा ना, कितने का बिकेगा। तो सभी बच्चे कह रहे हैं सर एबनॉर्मल लॉस है, इसको भी बेच दो, 10 रुपए का बेच दो। इसका मतलब ध्यान देना जो मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं, आप नॉर्मल लॉस को भी जिस रेट पे आपने नॉर्मल लॉस बेचा उसी रेट पे आपने क्या बेचा, एबनॉर्मल लॉस। जिस रेट पे आपने नॉर्मल लॉस बेचा, और सच्चाई यही है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बोल रहा किताबी बात है भाई, यही होगा, कबाड़ी तो कबाड़ी है, जो रेट में नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल। अब कबाड़ी वाला थोड़ी बोलेगा भैया ये वाला रद्दी एबनॉर्मल वाला है तो ज्यादा रुपए देंगे, ये एबनॉर्मल लॉस, वो तो बोलेगा भैया ये तो कबाड़ है मेरे, तो कबाड़ है तोल लेगा, तो 10 रुपए बिकेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन सुनना, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए में बिकेगा, मेरा जवाब था कितने में बिकेगा, बहुत बच्चों ने जवाब 15 रुपए 15 रुपए 15 रुपए दिया था, एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का बिकेगा, क्या वो 50 रुपए के हिसाब से बिकेगा, नहीं, नॉर्मल लॉस कितने के हिसाब से बिका था, यानी कबाड़े में 2.5 के हिसाब से बिक रहा है, कबाड़े में कितने का बिक रहा है, 2.5 रुपए के हिसाब से, तो भैया नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है, जब बेचने जाएंगे हम बैंक से तो कितने का बिकेगा, 50 × 2.5, तो कितने आए, बस एक बच्चे का सही जवाब आया था और कुछ बच्चे और ज्यादातर बच्चे उस पर हंस रहे थे। एक सौ पच्चीस, समझ में आया, पहले ये देखो कॉन्सेप्ट वाली बात है भाई, देखो नॉर्मली आपको पता चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वाली बात है, नहीं तो मैंने समझाते समझाते परेशान हो जाता हूँ बच्चे को, नॉर्मल लॉस इतने का बिका और इसे बैंक में बेचा 2.5 रुपए का, बच्चा पूछता सर 2.5 का क्यों बिका, ये तो बिका 750 का 700 का, जैसे अभी बता रहे थे सभी ने जवाब दिया 750 का, यानी नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो बिकेगा नॉर्मल लॉस वाले रेट से ही, सिंपल सी बात है, सभी को समझ में आ गया ये। अब यहां पे देखा जाए तो 750 रुपए और 750 रुपए, अब नुकसान जो हुआ नेट में वो चला जाएगा सीपीएल में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, ये असली नुकसान है, ये वाला नुकसान तो हमने कस्टमर से रिकवर कर लिया, वैसे बिक बिक के बराबर हो गया ये,
ये वाला जो नुकसान आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर, ये जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। 625 रुपए चला जाएगा हमारा, असली नुकसान तो 625 रुपए का है। आपको दिख रहा है कि 750 का नुकसान है भाई, बट इसको बेच के भी तो पैसा आया, तो असली नुकसान कितने का है? 625 रुपए का। आप इतना ध्यान रखिएगा, असली नुकसान 625। चलिए इस सवाल के साथ अब आगे बढ़ा जाए, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब फटाफट से इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, कितने प्रोसेस? दो, बस दो प्रोसेस। तीन प्रोसेस वाले में मजा आएगा। और ये सारे क्वेश्चन 15-15 नंबर के आए हुए एग्जाम में है, आए हुए क्वेश्चन है। देखो ईयर भी लिखा हुआ है, ऐसा मैं सोच रहा हूं अभी तो आसान आसान चल रहा है, मुश्किल कुछ आएगा? जो आना था वो आ गया। अरे लिख लेते हैं पहले। प्रोसेस ए, सर इस सवाल में बोला नहीं गया है एबनॉर्मल लॉस वॉस बनाने के लिए, लेकिन मैं अपनी इच्छा से बनाऊंगा इसका अकाउंट। ये प्रोसेस बी है, ठीक है, मैं अपनी इच्छा से बनाने जा रहा हूं इसका। अभी मैंने सिखाया भी है, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा उसका अकाउंट, याद होना चाहिए। चलिए सर, क्या कहता है सर? कहता है आउटपुट। सर आउटपुट ये क्या है? आउटपुट का मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है। ऐसा नहीं कि सबसे पैसे पहले लिखा, आंख बंद करके टू आउटपुट करके लिख दो आप, नहीं। इनपुट होता है जो इधर लिखा जाता है, आउटपुट होता है जो इधर आता है। तो भैया पहले प्रोसेस का आउटपुट बताया इसने, पहले बच्चे कह रहे हैं ब्लर आ रहा है। ओके एक मिनट रुकिए, कैमरे को सेट करके आते हैं। अब बताइए ठीक है, बताइए ठीक है? अब क्लियर? ऋषि तक क्लियर? यस। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन को आपके लिए और बड़ा कर देते हैं, आपके आईज पे ज्यादा जोर ना पड़े इसलिए बड़ा कर देते हैं, ठीक है। लो जी, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ये दे रखा था क्वेश्चन में, सर आप ध्यान से देखिए, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूं। क्वेश्चन में कहता है आउटपुट, आउटपुट यूनिट, इतने यूनिट आउटपुट है। आउटपुट के मतलब बनकर तैयार हो चुका है, बनकर तैयार हुआ, और इस साइड में इनपुट आता है और इस साइड में आउटपुट आता है, ध्यान रखना। कहता है आ प्रोडक्ट कंप्लीट टू प्रोसेस ए एंड बी ड्यूरिंग द मंथ। ए प्रोसेस बेसिक रॉ मटेरियल 5000 यूनिट, ₹2 पर यूनिट। कहने का मतलब है सर, प्रोसेस ए के अंदर मैंने लगाया रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल कितना लगा दिया आपने? 5000 यूनिट ₹2 के हिसाब से, तो 10,000। आगे कहता है अदर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, नॉर्मल लॉस जो है, नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट परसेंटेज, ये 5% होगा और ये 10% होगा। तो भैया 5% का नॉर्मल लॉस, वाई नॉर्मल लॉस 5% 5000 का कितना होगा? 250। ये तो निकाल लोगे ना सभी बच्चे। चलिए, और स्क्रैप उसको बेचा गया रुपये के हिसाब से, तो कितने का बिका होगा? 2.5 के हिसाब से। अब आगे कहता है डायरेक्ट वेजेस, सर वेजेस कितना है? ₹300 का, नहीं नहीं 3000। डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने कोई और क्वेश्चन कराना था, सीक्वेंस लगाया था लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ, तो ये भी कराना था, तो बेटर है ये कर लेते हैं। 9750। ओके, टोटल ओवरहेड कहता है भैया 16,000 का ओवरहेड है,
वह रिकवर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, कहता है टोटल ओवरहेड है, लेकिन ओवरहेड तो यहां भी आएगा और ओवरहेड, लेकिन भैया दोनों में कैसे बांटा जाए इस 16,000 को। तो सवाल कहता है इस 16,000 को एक काम करो ना, आप डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट दो। ओके, ए प्रोसेस और बी प्रोसेस। ए प्रोसेस का डायरेक्ट वेजेस कितना था? 3,000। और बी प्रोसेस का डायरेक्ट वेजेस कितना है? 5,000। तो रेशियो बना 3:5। तो इस 16,000 को 3:5 में बांट दिया जाएगा। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 5 × 3 9,600, और इंटू में टू नहीं फाइव 6,400। हाँ 6,400 कैसे? 16,000 डिवाइडेड बाय 5 × 3 = 8, हाँ 6,000। मैं वही कह रहा था, मैच क्यों नहीं हो रहा? 6,000 और 10,000, ठीक है। आगे कहता है देयर वॉज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भैया, जब नहीं बताया तो होगा कहां से। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में, यानी सर इसकी कहानी अगर हम समझे, इसको हटा देते हैं, इसकी कहानी समझे तो कहानी में 5,000 यूनिट लगाए गए थे, और कहता है यहां से बन के तैयार हुआ 4,700 यूनिट। तो 5,000 यूनिट में पहले लॉस, 5,000 यूनिट में हमारा लॉस भी हुआ कितने? 250। तो मेरे हिसाब से 4,750 तो बन ही जाने चाहिए, 4,750 तो बन जाना चाहिए, 4,750। लेकिन सवाल कहता है भैया सिर्फ 4,700 बनाने में कामयाब हुए, तो मतलब सर 50 का हो गया ए बी एल एबनॉर्मल लॉस। तो बाय साइड में आ जाएगा ए बी एल, एग्जाम में मत लिखना ये 50। अब तो इसका रेट भी पता करना पड़ेगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो रेट देखते हैं, रेट तो निकालेंगे कैसे? चलो सर, 5,000 यूनिट और टोटल बताओ 13,000, 6 19,000, 19 और 10 29 28, क्या मैंने सही ऐड किया है? 28 और यहां पे 5,000 माइनस करोगे 4,700, ये चले जाएगा टू बी, कहाँ जाएगा? टू प्रोसेस, पी में चला जाएगा। सर रेट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट 28,000 माइनस में नॉर्मल लॉस का 250 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 5,000 माइनस में नॉर्मल लॉस यूनिट 250। चलिए क्या रेट आता है? 6 एग्जैक्ट 6, तो इसका 6 के हिसाब से कर दो काम, 300 कितने बच गए? 7 × 6 = 42 और 2 × 4 = 12 16, 16,200, 28,200 28,200 समझ में आई बात आपको? ठीक है, वैसे बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लो चाहे रेट से निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लेके आते हैं, यहां पे लेके आते हैं प्रोसेस, प्रोसेस मिक्स हो जाता है, प्रोसेस ए कितने लेके आए? 4,700 कितने रुपए का? 200, ठीक है। खर्चा वर्चा है यहां पे? है। क्या क्या खर्चा है? वेजेस कितने? 5,000 और एक्सपेंस कितने हैं? 9,000 और बस। अच्छा 10, शायद 10 एरर ना हो, चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं एरर ना हो, किताब में देख लो कहीं 10, क्योंकि हर जगह डिजिट राउंड में एक जगह 210 दिखी, क्या देख लो, ऐसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नॉर्मल लॉस कहता है भैया यहाँ 10% होगा, सही है भाई, नॉर्मल लॉस होगा 10%। तो 10% किसका? सर इनपुट का। तो 470, 470 नॉर्मल लॉस कितना हो गया? और बिकेगा 5 रुपए के हिसाब से, बिकेगा 5 के हिसाब से, 470 गुणा में 5 2,350, 2,350। अब चलो हिसाब किताब लगाएं,
4700 यूनिट डाला था हमने, ये P2 की बात कर रहे हैं, जिसमें से बन के तैयार हुआ हमारा और नॉर्मल लॉस था हमारा 470। अगर 470 माइनस कर दे 4700 में से तो सर 4230 बनने चाहिए। लेकिन सवाल कह रहा है 4300 बना दिया हमने, कितना बना दिया, तो यहां क्या हो गया, 70 का गेन, 70 का गेन, 70 का गेन हो गया। समझ में आया, यानी लॉस और गेन निकालना भैया आना चाहिए और ये आपका खुद का दिमाग काम करेगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका, मैं पहले बता दूं। आपको लॉजिक लगाना होगा, इतने यूनिट थे, इतने नॉर्मल लॉस हो गए, बनने इतने चाहिए, बन के कितने निकले, अगर ज्यादा बन के निकल गए तो गेन, कम बन के निकला तो लॉस, और वो लॉस या गेन कौन सा होगा, एबनॉर्मल होगा। बड़ी सीधी सी बात है। ओके सर, गेन हो गया तो गेन इधर लिखेंगे, ए बी जी एबनॉर्मल गेन कितने, 70। सर अब इसका रेट निकालो, रेट। अब टोटल कॉस्ट ना, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है इसमें, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं गेन वाला पॉइंट ना जब करूंगा, मैं अगर इसको टोटल करके यहां लिख लूं तो ये बेचारा रह जाएगा यहां पे, तो हमें इसका टोटल करके यहां लिखना नहीं है, बाहर ही कहीं लिख लेंगे, यानी 28,200, 5,000, 53,110। तो मैंने लिख लिया 53,110, यहां मत लिख देना, नहीं तो फिर मिटाना पड़ेगा आपको। माइनस नॉर्मल लॉस 2300 डिवाइडेड बाय 4700 माइनस नॉर्मल लॉस 470। एक रेट निकाल के दिखाओ, माइनस 2350 डिवाइडेड बाय 12 रुपए। लो जी 12 रुपए, तो अब ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 12 से, तो 70 × 12 840। नाउ अब टोटल करो आप इसे, तो 53,110 प्लस में 840, ये आ गया हमारा 4770 और ये आ गया 53,950। 4770 53,950 बाय एफ जी, क्योंकि एक इसके बाद कुछ है ही नहीं सर, एफ जी कितने 4300 आएगा ना, हाँ फिनिश गुड्स 4300 तो है, माइनस 51,600। जिस बच्चे को डाउट है पूछिए आप, जिस बच्चे को डाउट है पूछिए, फिर हम आगे बढ़े। रिपीट वंस, बताइए किस पॉइंट से डाउट है, वहीं से रिपीट कर देंगे, एजी रिपीट कर दो। ओके, एबनॉर्मल गेन, चलिए मैं इसे ना कट करके दोबारा एबनॉर्मल गेन बता देता हूं कैसे आया। सर ये प्रोसेस बी का चल रहा है, प्रोसेस बी में हमारा 4700 इनपुट डाला था, इधर देखना 4700 इनपुट डाला था, तो सर अगर आपने 4700 से दूसरे कलर से करते हैं, इनपुट डाला मैंने 4700 और सवाल कहता है भैया 10% का नुकसान होगा तो लेस कर दो नॉर्मल लॉस, दैट इज 470। तो आपका माल, आपका यूनिट बन के तैयार होना चाहिए था 4230, लेकिन सवाल में कहता है कि आपका यूनिट बन के तैयार हुआ 4300। मीन सर अगर आपका बनना चाहिए था, आपका बनना चाहिए था, बनना था 4230 4370, तो फालतू के बन गए, तो ये हो गया एबनॉर्मल गेन। अब सर एबनॉर्मल गेन का क्या करा हमने, सारा का सारा यूनिट, सारा सवाल वही, कोई फर्क नहीं है। अब रेट कैसे निकाला, हमने टोटलिंग किया, जब हमने टोटलिंग किया ना तो हमने टोटलिंग में, जब हमने टोटलिंग किया तो टोटलिंग केस के अंदर कहां से कहां तक, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये बस यहीं तक टोटल किया, और इसका टोटल निकल के आया 53,110, जिसको मैंने यहां लिखा
ये हो गया टोटल कॉस्ट, फॉर्मूले वाला टोटल कॉस्ट। इसके बाद माइनस कर दिया मैंने ये, जो कि नॉर्मल लॉस का कॉस्ट था। फिर आपका टोटल यूनिट, टोटल यूनिट भी ऐसा नहीं है कि ये वाला ले लो, इससे पहले वाला, क्योंकि ये वाला काम हमारा बाद में होगा, तो टोटल यूनिट ये वाला आ गया, टोटल यूनिट ये, और माइनस में आपका नॉर्मल लॉस। तो 12 रुपए का रेट आया। अब जाके 12 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 70 है 70 को, तो ये बना 840। अब फिर से हमने फाइनली इसका टोटल ये और इन सभी का टोटल ये और इधर सेम लिखा ये टोटल, उसमें से इन दोनों को माइनस करा तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। अभी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, अभी चिंता मत करो। अरे यार अभी तो एक अगली क्लास भी है, चलो जब तक क्लास नहीं आती तो करेंगे, जब बीच में रोक देंगे नहीं तो। ओके थोड़ा आ गया, प्रोसेस बी, यस रिपीट अगेन। हाँ प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आएगा, अभी क्लियर है यहां तक। चलिए अब अकाउंट बनाएंगे, तीन तीन अकाउंट आपके सामने बनाने जा रहा हूं मैं, तीन अकाउंट, ध्यान देना एकदम सर। तीन अकाउंट सर, तीन क्यों? क्योंकि यहां तीन तरीके का काम हो गया ना, एकदम छोटा छोटा अकाउंट। और आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका 15 नंबर का जो सवाल आएगा ना वो यही वाला आएगा, इसी टाइप का आएगा, बाकी अभी और तो एडवांस क्वेश्चन करने बाकी हैं भाई, एडवांस क्वेश्चन तो करेंगे हम। ऊपर लिखते हैं नॉर्मल लॉस, चलिए इधर एक और ना, चलिए स्पेस बहुत है तो आराम से कर रहा हूं मैं, इधर उधर कर रहा हूं। एक बनाएंगे एबनॉर्मल गेन, एक बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नंबर 1 2 3 सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो कर लेना, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे, आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझाने के लिए ये प्रोसेस आना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल लॉस, सर नॉर्मल लॉस क्या प्रोसेस ए से हुआ? टू प्रोसेस ए से हुआ, जी हाँ। क्या नॉर्मल लॉस प्रोसेस बी से हुआ? जी हाँ। कितना कितना हुआ अभी देखते हैं पीछे पेज पलट के। सर नॉर्मल लॉस हुआ 250 यूनिट, 250 रुपए का, 470 2350 का, तो 250 470, ये 250 का और ये 2350 का, पहले यहां तक कोई दिक्कत बताओ। एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं, एबनॉर्मल लॉस सर इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस था 50 यूनिट का, तो 2 में आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस, तो 2 में आ जाएगा। 2 प्रोसेस किस में बताओ, कौन से प्रोसेस में? ए में। कितने? 50। कितने का? 750। अब गेन बताओ कहां आया, सर गेन कहां आया, कौन बच्चा बताएगा गेन किस में है? बी में है, और 2 में लिखा है तो कहां जाएगा अकाउंट में? बाय में आएगा, बाय में आएगा, और बाय में लिखेंगे बाय प्रोसेस नंबर बी, और ये आ गया 70 और कितने का? 840। मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं सिखाया अभी तक आपको, बस मैंने क्या करा अकाउंट को पोस्टिंग करना बताया, 2 वाले को बाय में, बाय वाले को 2 में। यहां तक समझदारी आ गई है तो हम आगे टेक्निकल पॉइंट करें इसमें। 70 कैसे आया निधि? मैंने अभी बताया था 70 एबनॉर्मल लॉस गेन का पीछे बताया था कि 70 कैसे आया था हमारा, 4300 था उसमें से माइनस प्लस करके आया था, सिंपल पोस्टिंग करा है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला मैंने।
एक बच्चा कह रहा है 12 रुपए कैसे आया, मैं कैलकुलेशन दिखा दूंगा, आप जब दोबारा देखेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा आपको। जी हाँ, अब काम करें अपना, चलो चलिए अपना काम करते हैं। सर प्रोसेस ए वाले को बेचना है बैंक से, बेच दो, कितने का? 250। कितने में बिक गया? 250। प्रोसेस बी की कहानी देखो, आप कह रहे हो सर नॉर्मल लॉस है 470 का, लेकिन बी में ही क्या हो गया, गेन भी हो गया, कितने का? 70 का। मतलब एक्चुअल एक्चुअल लॉस सर ओनली 400 का है। आप प्रोसेस बी को देखिए, ध्यान से देखिए, यहां 470 का नुकसान, यहां 70 का फायदा, तो एक्चुअल लॉस जो निकल के आ रहा है यहां पे वो कितना आ रहा है? स्क्रैप में बेचने जाओगे आप तो 470 बेच के नहीं आओगे, सिर्फ 400 यूनिट ही क्या करके आओगे आप, बेच के आओगे। तो प्रोसेस बी का जो बेचेंगे ना बैंक से, प्रोसेस बी का जो बैंक से बेचने वाले ना, बैंक से बेचेंगे बी वाले का, क्या रुपए का रेट था? 5 रुपए का रेट था, तो 400 × 5 बेचेंगे, 400 × 5 यानी कितने बिकेंगे? 2000। 400 × 5 = 2000। पहले ये देखिए, सारा नहीं बेचना, 400 × 5 = 2000। अब सर इसका मतलब, सर जी हां, इसका मतलब पहले यहां तक देख लो, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा, पहले ये समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, एक प्रोसेस मैंने कर दिया, किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दे। जी बताइए, क्लियर? अब कहानी आता है यहां पे बैलेंसिंग फिगर का, और कहानी आता है यहां पे क्या करें, यहां पे बेचेंगे थोड़ी ना, यहां पे बेचना नहीं है सर। अब आएगा यहां पे जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो निकल के जाएगा बाय साइड में एबनॉर्मल गेन में, कहां जाएगा निकल के? ये एबनॉर्मल गेन में चला जाएगा, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको, रुक जाइए, बैलेंसिंग फिगर पहले निकाल लेते हैं, ये वर्ड ना अभी थोड़ी देर में, यहां तक समझ में आ गया तो इस वर्ड में ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। ये कितना आ रहा है? 720। और ये 720। अब यहां पे कोई एक डिफरेंस आ रहा होगा, कितना आ रहा है? 350। साहब इस 350 को कहां भेजोगे? ए बी जी में, और टू साइड में, टू नॉर्मल लॉस से निकल के आया हमारा कितना? 350, और ये 70 यूनिट का, पहले यहां तक देखो, ठीक है? यानी आपका गेन कहने को 840 का हुआ, लेकिन उसमें से 350 तो आपका नॉर्मल लॉस में एडजस्टमेंट लग गया, तो एक्चुअल में अब नॉर्मल गेन जो हुआ वो हुआ सिर्फ रुपये का, 840, 350 और 2, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 400। एक्चुअल में गेन कितना हुआ? 490, जो कि ट्रांसफर कर दो एबनॉर्मल लॉस में, क्योंकि एक्चुअल यहां से सीपीएल में जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। आपको ओवरऑल ये निकालना है कि आपका घाटा कितने का हुआ, तो भैया यहां से तो घाटा होता ही नहीं हमारा, क्योंकि कस्टमर दे देता है ना पैसे, 1 रुपए 12 पैसे का बेच रहे थे अंडा, तो जो नुकसान भी हो रहा था कस्टमर से रिकवर कर रहे थे, यहां से फायदा तो हुआ लेकिन इस यहीं पे नुकसान भी हुआ बी के अंदर, तो वो कंपनसेट होके नेट में मेरा फायदा 840 का नहीं बचा, कितने का बचा? 490 का। अब ये वाला जो था, यहां कहां से आ गया ये? अब जो ये वाला था इसको कहां लेके जाएंगे? टू वाले को बाय में, बाय ए बी जी, कितने? 490। यानी सर 750 का नुकसान जिसमें 490 का फायदा, तो असली में क्या हुआ आपके साथ? असली में क्या हुआ? असली में हुआ आपके साथ सीपीएल नुकसान, असली में जो नुकसान हुआ, असली में नुकसान वो कितने का हुआ?
और ये मैंने यहाँ पे 490 नहीं लिखना था, यहाँ पे 750, कितना हो रहा है 260 का। ये नुकसान है जो कि हम कॉस्टिंग पी एंड एल में डालेंगे। दोबारा समझो सर, नॉर्मल लॉस तो लॉस होता ही नहीं, लेकिन नॉर्मल लॉस के अंदर देखा जाए तो प्रोसेस ए के अंदर भले ही 250 था तो 250 बिक गया, लेकिन प्रोसेस बी में 470 का नॉर्मल लॉस हुआ, लेकिन वहां एबनॉर्मल गेन भी हो गया। तो मुद्दे की बात रही कि भैया यहाँ पे तो हम पूरा नहीं बेचने वाले, तो एक्चुअल में लॉस कितना था 400, 400 को बेच दिया, जो भी बेनिफिट हुआ कहाँ भेज दिया हमने, जो भी हमारा बचा बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल गेन में। एबनॉर्मल गेन में देखा जाए तो हमारा गेन हो रहा था 840 का, लेकिन उसमें से कुछ नॉर्मल लॉस को भी कंपनसेट करने में चले गए मेरे कितने 350, तो एक्चुअल में गेन हुआ मेरा 490 का। एबनॉर्मल लॉस में देखा तो हमारा लॉस हो रहा था 750 रुपए, लेकिन कुछ गेन भी हुआ अगले प्रोसेस के अंदर 490 रुपए का। फाइनली मेरा लॉस पता चल के आ पाया कि कितने का हो गया, 260 रुपए का। किसको? अरे हाँ, बेचना तो भूल ही गए 50 यूनिट, और कम नुकसान होगा अभी। ये कहां से आया? ऊपर से आया ना, रुकिए, सेल भी करना है, ये तो रही गया, बेचना भूल गए, बेचना भूल गए भाई साहब, बैंक से सेल, क्योंकि ये भी तो बिकेगा स्क्रैप में। बैंक से कितना बेचोगे? 50 यूनिट। और 50 यूनिट बेचोगे किस रेट से? प्रोसेस ए वाले के रेट से, प्रोसेस ए का 50, 50 तो कितना आ रहा था? 210। अब 210 आएगा। ये देखिए, एबीएल सोल्ड होगा, हाँ बिल्कुल, कर दिया कर दिया कर दिया, 400 × 5 2000, बिल्कुल। कैन यू प्लीज रिपीट हाउ वी गेट 400 × 5? देखो 400 × 5 कैसे, नुकसान जो प्रोसेस बी को, ध्यान से देखो आप, प्रोसेस बी को ध्यान से देखना, नुकसान 470 और यही फायदा हो गया 70 का, तो एक्चुअल में नुकसान जो है वो है 400, एक्चुअल में जो नुकसान है वो है 400, और 400 यूनिट प्रोसेस बी के नुकसान को कंपनसेट किया जाएगा 5 रुपए के हिसाब से। तो इसलिए मैंने प्रोसेस बी वाले को बेचने के लिए गया तो सारे 470 यूनिट बेचने नहीं सकता, तो सिर्फ 400 यूनिट 5 के हिसाब से मैंने बेच दिया। क्लियर? बताइए, क्लियर है? तो आपका ना 15 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है ना, ये बनता है, ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ लेगा, एक और प्रोसेस डाल देगा, प्रोसेस सी भी डाल देगा, और कुछ नहीं बनता इसके अंदर। अब मुझे एक क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का कराना है। पहले यहां तक देख लीजिए, बुक दिखाना एक बार। ये भी आपकी किताब का ही क्वेश्चन, इसमें हालांकि दिया तो नहीं था, इन्होंने बना रखा है। मैंने क्वेश्चन करा है, नहीं इन्होंने बनाया भी नहीं। ये अकाउंट जो है किताब में बच्चे देखेंगे तो नहीं बना रखा, लेकिन सिखाने और सीखने के पर्पस से ये अकाउंट मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि अगले वाले पॉइंट में हमें कोई दिक्कत ना हो। सर एबीएल 490 है, एबीएल एबनॉर्मल, एबीएल एबनॉर्मल लॉस 490 है। यस, ये 490 यहां से निकल के आया, ये सर ये वाला निकल के आ गया, आ गया आ गया यहां आ गया 490 है। बाकी अब इस सवाल को आप दोबारा देखिए, इस सवाल को दोबारा करिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा, होमवर्क में मुझे देना था लेकिन वो सीटी मेरी अपडेट नहीं हो पाई, 4-5 क्वेश्चन में देता, लेकिन कल आपका अपडेट होके मिल जाएगा होमवर्क के लिए। सर प्रोसेस अकाउंट में कितना रहता है? 2 क्लास और लेना है प्रोसेस अकाउंट का, प्रोसेस अकाउंट फिनिश हो जाएगा 2 क्लास के बाद, जिसके अंदर और कुछ क्वेश्चन और आपके डाउट लिए जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस अकाउंट का अगला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, वेटेड एवरेज वाला, इक्विवेलेंट मेथड वाला, वो अगला स्टार्ट हो जाएगा। सीपीएल का अकाउंट नहीं होता, बस सीपीएल कॉस्टिंग पी एंड एल लिखते हैं और लिख के छोड़ देते हैं। आगे ट्रेडिंग अकाउंट एक सवाल है, बहुत एडवांस वाले में डाल के दिखा देंगे कैसे बनता है, ठीक है? चलिए सर।